हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट दिस पैराग्राफ वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट। लेट अस रीड अगेन। ठीक, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स एंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस वॉट इज रिटन। एज अ रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो देखो, आप लोगों बच्चे ध्यान दिया होगा कि उन दिनों में क्या थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो क्या होता है, जो कि जो उन दिनों में जो स्क्राइब्स होते थे, जो मनुस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे, तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस होने की ना होने की वजह से प्रेस तो मतलब छप तो पाते नहीं थे वो, तो उनको हाथों से ही लिखा जाता था। अब आप ये आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जब आपने अपने किसी भी फ्रेंड की कॉपी लेकर उस अपने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको उसकी हैंडराइटिंग जो है समझ नहीं आती है, और आप उसको समझने का काफ़ी प्रयास करते हैं, और जब आपको समझ नहीं आती है तो आप मजबूरन अंदाज़ा ही लगाते हैं कि उसने क्या लिखा होगा। मनुस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर, तो ऐसा ही मनुस्क्रिप्ट के साथ भी हुआ। जब उनको कॉपी किया गया, एज स्क्राइब्स कॉपीड मनुस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मनुस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सबस्टेंशियली different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written. तो students, इसमें बताया गया है कि ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ भी हुआ, जब उन लोगों ने जो है मनुस्क्रिप्ट को हाथों से लिखा था, तो इस कारण क्या हुआ था कि जो ओरिजिनल जो कॉपी थी, जैसे अब आप एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी इस चीज़ की, जैसे हम कोई उसको कॉपी करते हैं, तो जब एक ओरिजिनल जो मनुस्क्रिप्ट थी, अब उसकी एक के बजाय कई सारी कॉपी बनाई गई, तो हर बार जो किसी दूसरे ने उसको कॉपी किया होगा, तो उसमें किसी ना किसी को फिर से वही परेशानी आई होगी, किसी की हैंडराइटिंग समझ नहीं आई होगी, किसी भी शब्द को ले लो या किसी भी वाक्य को ले लो, तो उसने ज़रूर उसमें कुछ फेरबदल की होगी। तो ऐसा ही कुछ उनमें भी हुआ था। तो इस कारण क्या हुआ कि जो एक मेन कॉपी थी उसकी अलग अलग कई सारी कॉपी हो गई थी, जिससे कि काफ़ी बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिससे जो आज के जो लेखक यानी जो राइटर थे, वो उस जो मेन उसकी जो मनुस्क्रिप्ट से उसको मतलब समझ ही नहीं पाए थे ढंग से। तो इसके द्वारा इससे जो क्या हुआ था, जो उन लोगों के द्वारा जो बनाई गई थी, जो कॉपी की गई थी, वो उन्हें उसके बाद जो मेन होता उन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए लेखक ने क्या लिखा था इसमें, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की जो विभिन्न जो अब क्या हुआ कि जब एक कॉपी की अनेक कॉपियां बनाई गई, तो जब किसी उसको जो पढ़ना, जब हिस्टोरियंस होते थे जब उसकी बारे में पढ़ते थे, तब उसको किसी भी बात के बारे में पता करने के लिए जो है उसकी जो अनेक जो प्रतिलिपियां बनी गई थी, उसको उनके बारे में अध्ययन करना पड़ता था और उसको समझना पड़ता था कि आखिर उसमें क्या लिखा गया है सर, क्या कहा गया है। तो ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। कई बार जो ऑथर्स होते थे वो भी समय समय पर अपने जो उन्होंने लिखा गया होता था उसको उसके बारे उसमें मतलब संशोधन करते रहते थे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल जयाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 ईयर्स लेटर। यानी जो 14वीं शताब्दी में जो जयाउद्दीन बरानी नाम के जो एक क्रॉनिकलर थे, तो उन्होंने अपनी जो एक क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और ठीक 2 साल बाद उन्होंने उसका दूसरा उसके जो है दूसरी बार लिखा था। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एक्सटेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल इन 1960s। तो दोनों में ही अंतर था, और कब तक ही, जब 1960 तक, जब इतिहासकारों को पहली बार इसकी जानकारी नहीं थी, इसके फर्स्ट वर्जन की उनको जानकारी नहीं थी। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। ये जो है पुस्तकालय के यानी लाइब्रेरी के जो लार्ज कलेक्शन था उसमें कहीं दबा पड़ा रह गया था।
let us read the next topic of this chapter, new social and political groups. नए सामाजिक और राजनीतिक समूह. द स्टडी ऑफ द थाउजेंड ईयर्स बिटवीन 700 and 750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड. तो इस सन 700 से 1700 के बीच के जो हजार वर्षों का जो हिस्टोरियंस जो उसकी स्टडी करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस थे इसमें, मुख्य रूप से इसलिए कि जो इस पूरे समय में उन्हें जो है बड़े पैमाने पर काफ़ी, मतलब उस टाइम में जो काफ़ी इस काल में जो है काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे. एट डिफरेंट मोमेंट्स इन द पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. और इस समय में जो है अलग अलग नए टेक्निकल टेक्नोलॉजीज आ गई थी, लाइक द पर्शियन. लाइक द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, यानी इरीगेशन सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील. व्हील इसमें क्या है, इरिगेशन के लिए उसको क्या बोलते हैं, रहट भी बोलते हैं. तो आपने देखा होगा ना पहिए के टाइप में, देखिए इस टाइप से, ये देखिए ये इस टाइप का आपने देखा होगा, ठीक है. तो इस व्हील का ये वाली टेक्नोलॉजी आई थी उस टाइम में. द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और स्पिनिंग व्हील यानी और उस क्या आया था, कताई के लिए चरखे का, कताई के लिए क्या आ गया था, चरखा आ गया था. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और जो युद्ध वगैरह होते थे उनमें किसका यूज किया, उस किसका यूज किया जाने लगा था, बारूदों का यूज किया जाने लगा था उस समय में. तो इस तरह से जो है परिवर्तन आए थे. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. अब इस उपमहाद्वीप में जो है खान पान का बेवरेजेस होता है, पीने योग्य जो होते हैं, तो नए खान पान आए, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी. रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस, इस बात का आप याद रखिए इसको कि ये जो आए थे, ये जो तमाम जो नए नए परिवर्तन हुए थे, ये फसलें वगैरह का इनका जो परिवर्तन हुआ था, तो केम अलोंग विथ पीपल, ये सब कौन लाए थे, जो नए लोग आए थे. न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स, ये नई नई टेक्नोलॉजीज और जो क्रॉप्स ये जो आए थे, तो ये जो नए लोग आए थे उनके द्वारा लाए गए थे. हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल, और वो अपने साथ साथ नए विचारों को भी लाए थे. एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. तो इसके परिणाम स्वरूप यह पीरियड क्या कैसा कहलाया गया था, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे. तो इनके परिवर्तनों का काल भी कहलाया गया था. यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5th, 6th and 7th. आगे जो इसके बारे में आप पढ़ेंगे वो चैप्टर 5th, 6th और 7th में पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबाइलिटी. इस युग में जो है मोबाइलिटी मीन्स होता है गतिशीलता. तो ये जो है इस युग में लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आना जाना शुरू कर दिया था. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी, मौकों की तलाश के लिए लोग झुंड बनाकर दूर दूर तक जाने लगे थे. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्चून. तो ये क्या करते थे कि इस उपमहाद्वीप में यानी अपार संपदा, ये जी हमारा जो देश है इसको जो है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पर ये बहुत धनवान था ये हमारा देश. तो इसके यहाँ पर जो है लोग अपने भाग्य को आजमाने के लिए आते थे, फॉर्चुनिया अपने भाग्य को आजमाने के लिए आते थे. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत. अब इस पीरियड में एक ग्रुप था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था राजपूत. ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, जो कि राजपुत्र कहलाया गया. द सन ऑफ ए रूलर, यानी राजा का पुत्र. बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वॉज applied more generally to a groups of warriors who claim क्षत्रियाज कास्ट स्टेटस. तो ये जो इस काल में जिन समुदायों का यानी सॉरी 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में यह नाम आमतौर पर वॉरियर यानी योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा किया करते थे. द टर्म included नोट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टेंस बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. तो इसमें बताया गया है कि
कि राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग जो रूलर्स होते थे उनके अंडर काम किया करते थे। तो ए शिवलिक कोड ऑफ कंडक्ट एक्सट्रीमली वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय देयर पोइट्स एंड बर्ड्स। अब इसमें बताया गया है कि जो कवि थे जो राजपूतों के, वो उनकी यानी आचार संहिता, उनके बल आदि की उनके गुणगान किया करते थे। ठीक है, इस युग में जो है, अब देखिए, अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स सच एज द मराठा, सिख, जाट्स, अहोम्स एंड क्षत्रियाज आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी द एज ऑफ बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो है, अब क्या हुआ था कि इस युग में जो राजनीतिक दृष्टि में महत्व रखने वाले और भी लोगों ने जो भी थे उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, जिसमें थे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। तो इन आदि इन समूहों ने भी इन अवसरों का लाभ उठाया था। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशंस। तो अब क्या हुआ कि इस पूरे काल के दौरान क्या होने लगा था कि जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। इट चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब इसमें क्या होने लगा था कि कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ अधिक तेजी से हो रहा था, और जो जिससे क्या हुआ था कि यहाँ इनहेबिटेंट पर्यावास, इसका मीन होता है बच्चों कि किसी भी क्षेत्र के जो पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है इसका मीन, यानी वहाँ के जो लोग रहते हैं तो वहाँ के पर्यावरण और वहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली होती है उससे। तो इसमें बताया गया है कि अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। तो कुछ लोग क्या हुए, उन लोगों ने वहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी थी और वो क्या हो गए थे, पीजेंट्स मीन्स किसान बन गए थे। तो दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल मार्केट्स, चिफ्टेंस, प्रीट्स, मोनेस्टरीज एंड टेम्पल्स। तो जो ये बताया गया है इसमें कि जो यहाँ के जो वनवासी थे, जो जमीन की जुताई करने लगे थे और किसान बन गए थे, और किसानों के जो नए समूह थे वो वहाँ के जो बाजार थे, वहाँ के मुखिया, पुजारी, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। अब क्या हुआ कि अब जब ये वहाँ के जो बड़े और जटिल, अब ये वहाँ के किसान जो थे वहाँ के बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे, अब उन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और जो वहाँ के लोकल जो लैंडलॉर्ड थे उनका उनको काम करना पड़ता था, उनकी बेगार करनी पड़ती थी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पीजेंट। तो किसानों के बीच में, कई किसानों के बीच में जो है अब अंतर उभरने लगा था। ठीक, सम पोजिसेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर्स आल्सो केप्ट कैटल। उनमें से कुछ लोगों के पास बहुत अधिक उपजाऊ जमीन थी, कुछ जो है मवेशी यानी जानवर आदि पालते थे, एंड सम कम्बाइंड आर्टिशनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। तो कुछ लोग खेती भी करते थे, और जब खेती वगैरह नहीं होती थी तो वो कुछ दस्तकारी वगैरह भी करते थे। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, इस प्रकार जो है समाज में काफ़ी भिन्नताएं हो गई थी। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट, लोग जो है जातियों में और सबकास्ट में परिवर्तित हो गए थे, ग्रुप बन गए थे, एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। और जो उनकी जातियां आदि बनने लगी थी वो उनके बैकग्राउंड्स और आधार व्यवसाय के आधार पर उनको समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा था। एंड रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिएड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाई मेम्बर्स ऑफ द जाति। अब जो इनकी जो इनको जो दर्जा दिया जाने लगा था ऊंचा नीचा, तो ये स्थायी नहीं होता था। किसी भी जाति के विशेष सदस्यों के हाथों में इस कितनी सत्ता है या कितना प्रभाव है, कितना उसका नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब ये एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, मतलब ये है कि किसी एक क्षेत्र में तो मतलब उसी जाति का इतना वह काफ़ी शक्तिशाली था और किसी अन्य क्षेत्र में वह काफ़ी कमजोर था।
Jatis framed their own rules and regulation to manage the conduct of the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in same areas as Jati Panchayat, but Jatis were also required to follow the rules of their village. इसमें बताया गया है बच्चों कि जो इनके सदस्य होते थे, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जो जातियाँ हैं अपने अपने नियम बनाती थी, और इन नियमों का पालन जाति के जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे वो एक सभा करवाती थी मिलकर, जिसमें कुछ इलाकों में इसको जाति पंचायत कहा गया था, लेकिन जो जातियों के अपने निवास के गांव के रिवाजों का उनको पालन करना पड़ता था, और इसके अलावा कई गांवों और मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी एक राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होते थे। सो चिल्ड्रन, आज यहीं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, इसका चैप्टर नेक्स्ट हमारा पार्ट है रीजन एंड एम्पायर। सो ओके, थैंक यू।